गाइस गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं गाइस? तो आए आप अच्छे ही होंगे। तो गाइस सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, का जनरल विकास। तो आज है भैया का बर्थडे, तो मतलब साथ में पूछू का भी करेगा। ये कि पूछू का उस दिन बर्थडे नहीं हुआ था, क्योंकि आप लोग को बताई थी क्यों नहीं हुआ था। तो आज उसका अच्छा से बर्थडे होगा सजा के, बिल्कुल घर में अच्छा से। बट कोई आएगा नहीं इसलिए किसी को हम लोग बुला नहीं रहे हैं। पहले बार तो फर्स्ट था तो बुलाए थे, लेकिन इस बार तो एंड टाइम में कैसे बुलाऊंगी। सिर्फ उसका केक कटिंग करवा दूंगी, और इसलिए आज केक कटिंग करवा रही हूँ क्योंकि आज भैया का भी बर्थडे है। इसीलिए तो सब सोचा कि चलो एक ही दिन हो जाएगा दोनों बाबीटा का, इसलिए दोनों का आज बर्थडे करवा रहे हैं। और फिर आ रहे हैं 11 तारीख को बर्थडे मेरे हस्बैंड का है। तो अभी 11 को है, 17 को है, तो फिर नवंबर में है। तो गाइस अभी तो आज देखती हूँ सजाता है कि नहीं पता नहीं। बोल तो रहे दीदी, बोल रही थी कि सजाऊंगी पूरे, बैलून वगैरह सारा चीज़ में ला के रखी है, मीशो से मंगाई है, तो उसको सजाएगी या पता नहीं। अभी तो फ़िलहाल में मैं आई हूँ ऊपर पूजा करने के लिए, तली क्रिया वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया, तो कल नहीं परसों ही ख़त्म हुआ। तो मैं कल मंदिर वगैरह सब चीज़ साफ़ सुथरा करके कल से ही पूजा स्टार्ट हो गया घर में। तो चलता है टीचर्स डे, तो मैं भी गई थी थोड़ा सा कंप्यूटर जो जहाँ पढ़ती थी वहाँ गई थी कुछ सामान देने के लिए, गिफ्ट वगैरह। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और एक बात, मैं कल मंदिर साफ करने में मतलब मेरे से टूटा नहीं है, सरस्वती जी है, सरस्वती जी जो था मेरे यहाँ छोटा सा, उसका चक्र जो पीछे था वो अपने आप पता नहीं कैसे जो टूट गया, पता नहीं। बट खाली खाली लगता है, अच्छा नहीं लगता है उस जगह। तो उस जगह अभी पीतल का सरस्वती जी रखा, तो देख सकते हैं सरस्वती जी को मैं रखी हूँ, इसलिए कि खंडित वाला कैसे रखूँगी मंदिर में। तो लोग देख सकते हैं ये चीज़ यहाँ से टूट गया। ये चीज़ ही टूट गया है, तो लेकिन देख सकते हैं बहुत ही सुंदर था सरस्वती जी। बट ये खंडित अच्छा नहीं लगता, वैसे तो जुड़ तो जाएगा लेकिन खंडित अच्छा नहीं लगता। उसके जगह मैं अभी पीतल का रखी हूँ छोटा सा। और पापा को क्या रात में बोली थी क्या कि पापा एक सरस्वती जी ला दीजिएगा, क्योंकि उस जगह सरस्वती जी नहीं है तो अच्छा नहीं लगता, एकदम सूना सूना जैसा लगता है। तो आज गए पापा लाने के लिए सरस्वती जी, और ये वाली सरस्वती जी का 1 साल हो गया, नहीं 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 1 साल, ये साल ये वाला 2 साल हो गया। तो गए हैं पापा दूसरा लाने के लिए। तो अभी जा रही हूँ जल्दी से पूजा करने के लिए, साफ सफाई करके पूजा करूँगी, फिर उसके बाद नीचे जाऊँगी तो जल्दी जल्दी काम करूँगी, क्योंकि नींद बहुत ही ज़्यादा लग रहा है गाइस, क्योंकि रात भर बाबू सोने नहीं दी, बहुत ज़्यादा ही परेशान कर दिया। और नींद के कारण सुबह सुबह मेरे को उल्टी भी हो गया, सर दर्द, नींद बहुत ही लग रहा था, सर बहुत ज़्यादा ही तेज दर्द हो रहा था, तो उसके कारण मैं सुबह गाड़ी भी नहीं चला पा रही थी सही ढंग से। तो इसलिए सुबह सुबह आज मेरा उल्टी हो गया था बहुत तेज से। तो चलिए गाइस आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। आप लोग मिलती हूँ हम लोग से कुछ देर में, जल्दी जल्दी मैं पूजा कर लेती हूँ क्योंकि भूख भी लग गया है बहुत तेज से, इसलिए कि सुबह सुबह उल्टी हो गया, कुछ भी नहीं है पेट में तो भूख लग गया। तो चलिए मैं पूजा करके फिर आप लोग से मिलती हूँ। मेरे फाइनली पूजा हो चुका है, देख सकते हैं फूल तो मिलता नहीं है जो फूल चल रहा हूँ। तो यहाँ सरस्वती जी बैठाती थी,
छोटे से बैठे हुए, तो चलिए गाइस मैं नीचे जा रही हूँ। ये गाइस तो फाइनली सारा काम हो चुका है और अभी जा रही हूँ मैं जो बाबू को सुलाने के लिए। वो सोए कि इतने पता नहीं, इसी सो के उठा हुआ तो खेल रही है, देखती हूँ सोते है कि नहीं, क्योंकि सोने तो रबर दी नहीं है। सोच रही हूँ सो जाऊँगी, यदि सो जाएगी तो, और आज मैं शॉर्ट्स भी ना बना पाऊँगी, नींद बहुत ही लग रहा है। तो मैं सुबह सुबह ही ब्लॉग बनाई थी गाइस, और थोड़ा देर हुआ है, थोड़ा देर बताई टाइम हो गया, 11 बज ही गया, तो तब से ही मैं ब्लॉग नहीं बना लूँ। और अभी मतलब मैं सोची सारा काम कर लेती तो उसके बाद बनाऊँगी फिर से, क्योंकि बाबू सोई हुई थी इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम करने के लिए फिर गई। तो मेरा फाइनली सारा काम हो चुका है और कपड़ा वगैरह सब कुछ पसार थी मतलब देख सकते हैं। तो अभी बस थोड़ा सा ही कपड़ा पसारने के लिए, तो उसको भी पसार दूँगी यहीं पर। तो अभी जा रही हूँ, थोड़ा देर आराम करूँगी, तब उसके बाद कुछ मतलब सारा काम हो ही गया है, कुछ करना नहीं है। यदि सो जाएगी बाबू तो सो जाऊँगी, और नहीं तो फिर अभी दीदी आएगी ब्लाउज सिखाने के लिए, तो ब्लाउज भी काटना है मेरे को, ब्लाउज का पीस भी काटना है। ब्लाउज अभी नहीं काटी हूँ तो देखती हूँ अभी काटूँगी। तो चलिए अपना ब्लॉग में बने रहिए। ये गाइस तो मैं अभी आई हूँ पत्ता गोभी का भुजिया बनाने के लिए, इसलिए कि पापा खाएंगे रोटी, क्योंकि पूरी खाते ही नहीं है तेल वाला है, इसलिए तो पापा पूरी रोटी खाएंगे। पापा के लिए भी रोटी बनाऊंगी, तो भी मैं आई हूँ पत्ता गोभी का भुजिया छोकने के लिए। तो मैं पत्ता गोभी का भी भुजिया बनाऊंगी, अभी पूरी के लिए आटा भी नहीं सानी हूँ तो आटा भी सानना है, और अभी खीर भी नहीं बना है तो अभी खीर बनेगा, और इधर तब तक सब्जी छोंक लूँगी तो हो जाएगा, फिर मैं इधर आटा सान लूँगी, तब तो उसके बाद सान के फिर किचन वगैरह साफ़ सुथरा कर दूँगी, तब पूरी छान के फिर भोग भी लगाना है माता को। तो जल्दी 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 कर लेती हूँ, फिर टाइम भी आज बहुत ज़्यादा ही हो गया, इतना में तो सब दिन खाना बन जाता था, इधर से जल्दी बना लेती थी, गाड़ी चलाने जाती थी इसलिए। तो आज तो जाऊँगी नहीं क्योंकि आज घर में केक कटेगा, इसलिए नहीं जा पाऊँगी। तो जल्दी जल्दी भी कर रही हूँ, अभी बाबू के लिए पानी वानी गर्म करना है, बोतल उतल धोना है, उसको भी भूख लगा हुआ, सुबह भी खाना खिलाना है, कुछ भी नहीं धोई हूँ। तो तब तक भुजिया छोक के आटा सान के खींचा साफ कर लूँगी, तब उसके बाद खीर हो जाएगा, बाबू का पानी गर्म कर लूँगी, बोतल उतल धो लूँगी, बस पानी को पूरी छान के चढ़ा दूँगी, तब उसके बाद थोड़ा देर बाद पूरी बनेगा, जब खाएगा तब गर्म गर्म पूरी बनेगा। और गाइस आप लोग को भी मेरे को देखना दिखाना भी है, आगे कष्ट जाओ तो दिखाऊंगी तेरे को, मेरे को तब तक इधर काम कर लेती हूँ, तब उसके बाद दिखाऊंगी आप लोग को। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा, क्योंकि गाइस घर बहुत पुराना हो गया, इसलिए चिपकता नहीं है सही ढंग से, इसलिए जैसे हुआ उसको बांध बांध के सही से कर लिया है, बट चिपकता तो बहुत अच्छा लगता देखने में, लेकिन घर बहुत पुराना हो गया तो सीमेंट वगैरह जो करता है ना ये नहीं चिपक रहा है सही ढंग से। यहाँ भी पत्ता गोभी के लिए प्याज काट रही हूँ, भुजिया में देंगे मिर्ची लो, हरी मिर्ची कहाँ है,
प्याज हरी मिर्ची सब काट लेती हूँ। कढ़ाई भी मेरा इधर गर्म हो गया है तो उसको जल्दी से छौंक दूँगी। और वो भी सब काट कूट ली हूँ, धो धा ली, तो जा रही हूँ उसको छौंक के। तब उसके बाद किचन साफ़ करूँगी। किचन साफ़ करके आटा सान के रखूँगी। फिर बाबू के लिए पानी गर्म करूँगी। फिर बाबू को भी खाना खिलाना है, उसको भी भूख लग गया होगा। जाऊँगी फिर खाना खिलाने के लिए। तो चलिए मैं तब तक जल्दी करके फिर आप लोग से मिलती हूँ। खाना वाना बन गया है और यहाँ खाने के लिए भी सामान सब क्या, बट आटा सान के रखी हूँ सिर्फ पूरी बनाने के लिए। तो अभी ऐसे ही मतलब कपड़ा वपड़ा तो चेंज नहीं किया हूँ क्योंकि बाबू से उनको जल्दी जल्दी कटवाना है, टाइम बहुत हो गया है, 8:30 बजने वाला। तो चलिए गाइस आप लोग को दिखाती हूँ आगे। तो ऐसे ही वही थोड़ा सा मतलब मुँह धो के बाल वगैरह झाड़ ली हूँ, तभी जा रही हूँ बाबू सब का केक कटिंग करने के लिए बाबू का। तो चलिए आप लोग को भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ठीक है रेडी कर दी वैसे फिलहाल में थोड़ा बहुत रेडी हो के सकते हैं। जी सिंपल सा ही क्या हो आज तो अभी केक कटिंग होगा, अभी केक वगैरह जो घीच रहा है। चलो बेटा बाय बाय कल जो पूछी। तो फाइनली केक कटिंग हो गया और अभी जा रही हूँ पूरी छानने के लिए। टाइम भी 9 बजने वाला ही है तो अभी पूरी मिल छान के तब जाऊँगी बिछना वगैरह खोलने के लिए। बाबू को खाना खिलाऊँगी क्योंकि अब सोएगी वो। मैं आएंगे तो पूरी छानने के लिए सब खाना खाएंगे। तो केक को कभी खा ही नहीं हूँ, खाऊँ नहीं, सब खा लिए हैं। तो गाइस यदि आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो आप लोग को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अरे आगे ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बाय गाइस, गुड नाइट, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा कि ताकि आपके पास अच्छी अच्छी वीडियो पहुँचती रहे। आप लोग जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए बाय बाय।